श्रियं बुद्धिमदां वरिष्ठं मादात्मजं मानर्जूत मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय बजरंगबली की जय। ओम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के दौर में शास्त्री प्रथम खंड उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को दोबारा पाठ प्रयोग एवं प्रयोग साधनिका बता रहे हैं। यहाँ है विसर्ग व्यंजन संधि का है। चक्रिन त्रायस्व, चक्रिन जोर त्रायस्व है। यहाँ सूत्र लगा नश्छव्य प्रशांत, नश्छव्य प्रशांत अम्प कहता है अम परिच्छव नान्तस पदस रुष्या नान्तस पदस अनुस्वारस्य चक्रंत्राशी देशा नश्छव्य प्रशांत सूत्रेन रुत्व रुत होता है अम परिच्छव नान्तस पदस रुष्या। छव हुआ त्रायस में तो नान्त पद हुआ चक्रीन में, इन उसको रू हो जाए तो चक्री रो त्रायस होगा। अब जो रुत होगा तो सूत्र अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा, यहाँ रू प्रकरण में रू से जो पूर्व वर्ण रहता है उसको अनुनासिक होता है, अनुनासिक हो गया तो चक्रिंग रोत्यास खरवसान योर विसर्जनीय खरी अवसान चो पदांतरी फस विसर्ग चल खर है अवसान खर है पदांतरी हुआ उसको विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो गया, विसर्ग होने के बाद सत हो जाता है विसर्जनीय सहज तो चक्रिस्त्रायस्व। अजब अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा विकल्प है अनुनाशिकात पर अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, तब अनुस्वार अनुनासिक हटने के बाद अनुस्वार हो जाएगा तो चक्रिस्त्रायस्व दूठो रूप बनता है। चिन्मयम चित्तमयम है, यहाँ तकार को जस्त हो जाएगा दकार, अब फिर प्रत्यय भाषाया नित्य से दकार को नियमानुसार अनुनासिक हो जाता है तो चिन्मयम तन्मात्रम, ऐसा दोनों रूप बनता है चिन्मयम तन्मात्रम। पुनारम्भति यहाँ है, यह विसर्ग संधि विसर्ग संधि का प्रयोग है। पुनारम्भति पुनर्जोरणम्ति है, पुनर्जोरणमती है। सूत लगा रूरी रेफस्य रेफे परे लोप, रेफ को लोप हो रेफ के परे, रेफ हुआ पुनर्मेन रो उसको लोप हो गया, रेफ के परे रेफ कौन है रमती में रो, इस रो को लोप होगा तो पुन रो रमती हुआ। अब सूत्र लगा ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो न, ढ रेफ लोप निमित्तक जो पूर्व अन उसको दीर्घ होता है, यहाँ ढ लोप है कि रेफ लोप है तो रेफ लोप निमित्तक पूर्व अन कौन हुआ कौन तो पूर्ण में नौ नौ में अ उसको दीर्घ हो जाएगा और पुनारम्भति सिद्धम। भो दीवा भोष जोर देवा है, सह जुखोरू से शकार को घोष में शकार को रुत करते अनुबंध लोप करते तब भो रो देवा होता है। अब सूत्र लगा भो भगो अघो अपूर्वश्य योशी, भो पूर्वक भगो पूर्वक अघो पूर्वक और अवर्ण पूर्वक जो रेप उसको यकार हो अस के पर, ऐसा इसका अर्थ है। तो यहाँ भो पूर्वक रेप हो गया उसको यत हो जाएगा, रेप को यत होता है तो रोड जा दी रेप को यो आदेश होता है तब हो यो देवा हुआ हलि सर्वे खम
हल्के परे यकार को लोप हो सर्वेशम सबों के मत से नित्य लोप हो जाए हैं तो भू देवा कहीं कहीं अब ये है अचे संधि का है संधि में कहीं कहीं यहाँ प्रश्नोत्तर के रूप में आया है विष्णु इति विष्णु जोर इति है इस अवस्था में एचो अयवा यावा एच को क्रम से अय अव आय आव आदेश होता तो एच हुआ विष्णु में ओकार उसको क्रम से अय आदेश अव आदेश हो जाएगा तब ओ को ए को अय ओ को अव ऐ को आय औ को आव ऐसा आदेश होता है तो अव आदेश हो गया तो विष्णव इति होगा विष्णव इति होगा अब ब को लोप साकल्य से लोप होता है तो विष्णव इति जब विकल्प रहता है तब ब मिलता है इसे विष्णव इति ऐसा प्रयोग बनता है अमी जोर ईशा अमी ईशा है यहाँ का स्वर्ण से दीर्घ हो जाना चाहिए लेकिन नहीं होता क्यों नहीं होता है अमी ईशा में इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम इदंत उदंत एदंत जो द्विवचन उसको प्रगृह संज्ञा हो तो यहाँ इदंत द्विवचन है अमी में इकार उसको इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह संज्ञा अप्लुता प्रगृह्या अचिनित्यम पुलुष संज्ञक और परिसंज्ञक को अच के परे नित प्रकृत भाव होता है तो प्रकृत भाव हो गया तो प्रकृत भाव का मन जैसा था उसी तरह रह गया यहाँ जन दीर्घ इत्यादि कोई काम नहीं हुआ इसी तरह हरि एतो है हरि जोर एतो है यहाँ भी उसी तरह का है हरि में इकार है इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम इदंत द्विवचन हुआ हरि में इकार उसको प्रगृह संज्ञा हो गया अप्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से प्रकृत भाव हो जाएगा प्रकृत भाव माने वैसे रह गया हरि हेतु में भी जन नहीं हुआ तो हरि हेतु ऐसा ही रह गया और है किम्बुक्तम ई प्रयोग प्रसिद्ध है किम्बुक्तम किमु जोर उक्तम है किमु जोर उक्तम है सूत लगा मैं उयो बोबा मैं से पर जो उई इसको बक ऊको उकार से बाद बकारादेश उकार को ब होता है तो किमु में जो उकार है उसको ब हो जाएगा अब ब मलेगा उसी मिल जाएगा तो किम्बुक्तम जब नहीं होगा तो किम उक्तम ऐसा ही रह जाएगा गुण का है कृष्णर्धि कृष्णर्धि भी प्रसिद्ध प्रयोग है कृष्ण जो रिद्धि है जैसे ब्रह्मर्षि बनता है ब्रह्मर्षि देवर्षि उसी तरह कृष्ण जो रिद्धि है यहाँ सूत्र लगेगा आदिगुण अवर्ण हुआ कृष्ण में और अच के परे कौन है तो रिद्धि मेरी तो अ और री के दोनों को मिला पूर्व पर के स्थान में गुण पूर्व में है और पर में है री तो अ और री मिला के गुण हो जाएगा अ और जब गुण अ होता है तो उरण प्रय सूत्र लगता है री के स्थान में जो अन वह अ नहीं रहता है अर को लेकर रेप को लेकर ही प्रवृत्त होता है रेप आ गया तो अर हो जाएगा इसलिए गुण तीन है ए ओ अर
अर् क्यों है तो अ और री अ का उच्चारण स्थान कंठ है, री का ऋतु रसा नाम मूर्धा है, इसलिए गुण हो जाएगा अर् कंठ और मूर्धा, इसलिए अर् हो जाता है। तो कृष्णर्धि कृष्णर्धि देवर्षि इसी तरह। गवाग्रम गोजोर अग्रम है यहाँ पर, अवंग स्फोटायनस्य पदांत एंगंत जो गो शब्द उसको अवंग आदेश हो, अवंग में अवबजता है। गो गौव अग्रम हुआ, गौव अग्रम हुआ, अकह सवर्णे दीर्घ पदांत अक हुआ गौव में अश्वर्ण हुआ अग्रम में अ तो दीर्घ हो जाता गवाग्रम। जब अवंग स्फोटा इनस्य से अवंग नहीं करेंगे तो गो अग्रम है, सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृत भाव कर देंगे तो गो अग्रम। जब ये विकल्प बढ़ेगा इंगा पदांतादस्य प्ररूप करेंगे तो गोग्रम ऐसे रूप बनता है। गौरजौ गौरी गौरजौ गौरजा गौरी शब्द का है ना, यहाँ इसको दिया है संधि में गौरी जोर ओ है, यहाँ क्या करेंगे तो गौरी में इकार को इको यन अच, इक हुआ गौरी में इकार, अच हुआ ओ, यन हो जाएगा, यन हो जाएगा य, तो गौर जो ओ होगा य है इसलिए री अचोर अचोरहाभ्याम दू अचोरहाभ्याम दी अचह पराभ्याम रेख रेप हकाराभ्याम परस जलो दुविभास्तु नत, औच से पर जो रेप हकार उसके बाद जो जर उसको द्वित हो, औच हुआ गौ में का उसके बाद रेप है, रेप के बाद जर है य उसको द्वित हो जाएगा तो डबल हो गया तो गौर जो गौर जो ऐसा प्रयोग बनता है। इसी तरह और बहुत सब प्रयोग है, एक गवेंद्रा भी होता है, गवेंद यहाँ गव जो लोग कहते हैं गव जोर इंद्र, गव नहीं है गो जोर इंद्र है, गो जोर इंद्र है यहाँ इंद्रेच गोरवंग श्याद इंद्र गवेंद्र, गो शब्द को अवंग आदेश हो इंद्र शब्द के परे तो अवंग आदेश हो जाएगा, अवंग में अवजता है तो गव इंद्र होता, आवद गुण से गुण हो जाएगा तो गवेंद्र गो इंद्र है, गवेंद्र बनता है गव इंद्र नहीं है, इस तरह का है। छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कहीं अवंग होता है कहीं अब होता है। गो गव्यम है गोर विकारो गव्यम, गो का जो विकार है उसको गव्य कहते हैं, हैं तो गो जोर यम है, गो जोर यम है यहाँ बांतो जी प्रति हैं अदंत अंग के बाद जो गो बांतो जी पर बांतो जी प्रति जंप के परे एगंत जो एदंत को अव और आवादेश होता है, गव्यम बनता है नाभ्यम भी बनता है, गावा नावा तारजम नाभ्यम ऐसा बनता है, अगोजम से गव्यम बनता है, हैं बांतो जी प्रति अव आदेश कर देंगे तो गव्यम। इसी तरह का अब लघु सिद्धांत कौमुदी को हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, अब ये नहीं जो एक बार तो हो गया है दोबारा शुरू करते इसी से पूछना पूछेगा, इसी तरह इस प्रयोग हर एक प्रयोग को सिद्ध करना है, कहीं अब शब्द रूप में जाएंगे कहीं धातु रूप में जाएंगे कहीं शब्द सिद्ध करना है, इसी तरह का छात्र को परीक्षार्थियों को इस शब्द का ध्यान रखना चाहिए। अब संधि भी हो गया, अब राम शब्द सिखावेंगे कुछ धातु रूप सिखावेंगे कहीं कहीं इसी तरह चलेगा।